अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ आपकी टीचर अरुस अजमील। जी बच्चों, आज हम उर्दू के सबक में से की पहचान और उसकी पढ़ाई करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बे के ख़ानदान में पांच बहनें होती हैं। कितनी बहनें होती हैं बे के ख़ानदान में? पांच बहनें होती हैं। और आज हम बे के खानदान की आखिरी और सबसे छोटी बहन को पढ़ेंगे और उसका क्या नाम है? से। बे की पांचवी बहन का नाम क्या है? से। और से की शक्ल कैसी होती है? ऐसी होती है से की शक्ल, इसका पहला हिस्सा गोल और दूसरा हिस्सा सीधा होता है। और इसे क्या कहते हैं? से। इसे क्या बोलते हैं? से। सब बच्चे मेरे साथ पढ़ेंगे। से। और से की आवाज़ है स। से की आवाज़ क्या है? स। जी बच्चों, अब हम से शुरू होने वाले अल्फाज पढ़ेंगे। से कौन से अल्फाज शुरू होते हैं? चलें जी देखते हैं। वाओ, ये तो समर है। तो किससे समर शुरू हुआ? से से। से सा समर। पहले हमने हर्फ पढ़ा से, फिर हम उसकी आवाज़ पढ़ेंगे स, और फिर हम उससे शुरू होने वाला अल्फाज पढ़ेंगे समर। से सा समर। शाबाश बच्चों, इससे और क्या शुरू होता है? सोचिए सब बच्चे। से सा साकिब। से सा साकिब। और साकिब इस बच्चे का नाम है। साकिब क्या होता है? नाम होता है। से सा साकिब। शाबाश, इससे और भी अल्फाज शुरू होते हैं, चलें देखते हैं। से सा सरैया। से सा सरैया। से सा सरैया। और से के नुक्ते ऊपर आते हैं। और से के कितने नुक्ते होते हैं? तीन नुक्ते होते हैं से के ऊपर। से के ऊपर कितने नुक्ते होते हैं? तीन नुक्ते होते हैं। शाबाश बच्चों। जी बच्चों, ये था आज का सबक जो हमने से शुरू होने वाले अल्फाज पढ़े। आपने घर में इसकी बार बार दोहराई करनी है। और हमने कौन से अल्फाज सीखे? से सा समर, से सा साकिब, सेसा सरैया। आपने इसको याद करना है और मुझे इसकी वीडियो बना के सेंड करनी है। ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।